नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम आपके लिए बहुत सारी जानकारी लेकर हाजिर होते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में चलिए जानते हैं मोर पंखी क्या फायदे हैं, और अगर आप ये फायदे जान लेंगे तो आप भी अपने घर में पौधे ज़रूर लगाएंगे। पौधे घर को सुंदर बनाते हैं, वातावरण शुद्ध रखते हैं। कुछ पौधे बहुत ही शुभकारी माने जाते हैं, सकारात्मक ऊर्जा देते हैं, और उन्हीं में एक पौधा है मोर पंखी। मोर पंखी का पौधा बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है इस पौधे को घर में लगाने से तनाव नहीं रहता जीवन में, और प्यार बढ़ता है। मोर पंखी के पौधे को घर में लगाने से घर के सदस्यों में बुद्धि का विकास होता है, सकारात्मक रहती है, और साथ साथ बच्चों का मन पढ़ाई में लगता है। मोर पंखी का पत्ता अगर तोड़ करके सरस्वती गणपति भगवान को अर्पित करके अगर वो पत्ते आप अपनी किताब में रखते हैं तो पढ़ने में मन लगेगा, अच्छे नंबर भी आएंगे। कभी कभी क्या होता है, मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, तो इन पत्तों को रखने से ज़रूर शुभ होता है। इसके साथ साथ घर पर आने वाली विपत्ति भी ये पौधा कम करता है, आर्थिक लाभ भी बढ़ाता है। बहुत सारे आजकल लोग पौधे लगाते हैं। मोर पंखी भगवान श्री कृष्ण को भी बहुत प्रिय है। मोर पंखी को सदैव घर के मुख्य द्वार पे लगाएं और दोनों तरफ रखें। इससे दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी, प्रेम संबंध और अच्छे होंगे। मोर पंखी का पौधा घर के अंदर लगाते हैं तो इसे उत्तर दिशा में लगाना चाहिए, और ऐसे जगह पे रखें जहाँ साफ सफाई भी रहे। शास्त्र के अनुसार मोर पंखी का पौधा सूख जाए तो तुरंत उसे दूसरा लगाना चाहिए। मोर पंखा गणपति भगवान को भी प्रिय बताया जाता है। मयूर पंख का ये पौधा बहुत ही शुभकारी शास्त्रों के अनुसार माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में राहु अशुभ फल दे रहा हो, उन लोगों के जीवन में ये बहुत ही शुभ पौधा होगा। अगर वो अपने हाथ से लगाते हैं तो राहु इत्यादि जो हमारे बुरे ग्रह का प्रभाव कम होगा। बच्चों को बार बार नज़र लगती है तो मोर पंखी का पौधा आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। मोर पंखी अगर आप लगाते हैं तो आपको बहुत ही शुभ परिणाम देता है। तो मोर पंखी को उत्तर या पूर्व दिशा में लगाएं, दक्षिण दिशा में इसे नहीं लगाना चाहिए। तो आप भी अपने घर में इतना शुभ पौधा क्यों नहीं लगाते और अभी तक नहीं लगाया? तो दोस्तों, ये शुभ पौधा जो आपके घर को पवित्र बनाएगा, शुभ बनाएगा और शुभकारी है, देखने में खूबसूरत दिखता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।